सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट जिनके पास, तो आप सभी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। इसके साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि सीबीएसई की जो आंसर शीट होती है उसको अपने आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरह अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने आंसर कैसे देने हैं, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी मिस्टेक आपसे हो सकती हैं। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप देख सकते हैं टॉपर आंसर शीट, और साथ में आपको मिलेगा बायोलॉजी का पेपर जो कि 2018 का सेट नंबर 2। उसमें आप ये सब चेकआउट करेंगे कि जो आपके आंसर्स हैं जो टॉपर ने लिखे हुए हैं, उसमें चीज़ नोट करेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं उसमें हर एक चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने, हर एक चीज़ को जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए कर रखा है ताकि जो टीचर है जो चेक करने वाला उसको जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो जाए और वो सीधा वही देखते हैं उस पर आपको नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में ध्यान रखनी है कि अपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेजर चीज़ें होती है, उसको हाईलाइट जरूर करें, उसको अंडरलाइन जरूर करें। तो केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का, जिसमें जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन बस केमिस्ट्री और इंग्लिश है वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको आंसर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अगर आपको समझ आएगा, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपको जो फर्दर सब्जेक्ट्स है उसकी कोशिश करूंगा अपलोड करने की। थैंक यू।